हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर सेकंड क्या है? सेकंड का जरा नाम पॉलिनोमियल्स बहुपद, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अब इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई, ये ढेर सारे क्या दे रखे हैं? पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 5 पॉलिनोमियल्स दे रखा है, इसे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है? दो मेथड होता है। एक तो हम एक्स प्लस वन से इस दिए गए पॉलिनोमियल को हम क्या करें? डिवाइड करें। और एक दूसरा मेथड होता है पुट करने का, तो उससे हम रिमाइंडर यानी शेष को कैसे मालूम करेंगे मैं बताऊंगा। तो क्या है, अभी हम डिवाइड करने वाला मेथड पहले देखेंगे। तो क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम ये देखते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए एक्स क्यूब। क्या चाहिए? तो इस एक्स में, इस दिए गए फर्स्ट टर्म में एक्स में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए? ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? x² यानी एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आ जाएगा x². ठीक है, अब x² से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। यानी हमेशा फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। और फिर x² से दो सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी +1x², तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते समय हमें क्या काम करना होता है? माइनस करना होता है। ठीक है, तो यानी साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्लस का एस क्यूब और माइनस का एस क्यूब दोनों सेम सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये दो प्लस और माइनस, तो क्या आता है कि प्लस का 3 और माइनस का 1 है। ध्यान रखना, इस हमें प्लस के प्लस से कोई मतलब नहीं है, राइट? हमें क्या माइनस 1 से मतलब है। तो प्लस 3 माइनस 1 बराबर सॉल्व करने में कितना आएगा आंसर? प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 सीधी सीधी सी बात है 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो ऐसे हमें जाएगा 3 माइनस 1 करके यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट? और एक्स स्क्वायर को साथ में हम उतार लेते हैं। x² को हम कैंसिल वगैरह नहीं करते हैं, कब नहीं करते हैं? जब यहाँ पर जो कोफिशियंट है यानी x² के आगे ये दी गई संख्या है ये अलग अलग है, राइट? अब क्या करेंगे बच्चों? अब माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा 3x उतार लेंगे और साथ में +1 उतार लेंगे, राइट? और क्या होगा यहाँ पर, कितने वैल्यू आएगी? x+1 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करना है यानी x को मल्टीप्लाई मेन किससे करना है कि 2x² आ जाए यानी फर्स्ट टर्म आ जाए, राइट? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2x² यानी यहाँ पर जाएगा +2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 2x² और +1 में करेंगे 2x का मल्टीप्लाई तो +2x हो जाएगा, राइट? और हम कर लेंगे माइनस, माइनस क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 2x कितना जाएगा? x बच जाएगा, +1 उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे? +1 में भाग जाएगी, +1 पर, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो x आ जाएगा, +1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, अब दोनों क्या आ जाएगा? सेम सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर क्या जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू, क्या यहाँ पे मिल जाएगा हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0। क्या रिमाइंडर इक्वल टू 0? ठीक है, समझ आ गया, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, तो क्या कैसे डिवाइड करेंगे हम? x माइनस हाफ से इस पूरे टर्म को हमें डिवाइड करना, पूरे पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना। तो कैसे डिवाइड करेंगे? इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म कितना मिल जाए हमें? एक्स क्यूब मिलना चाहिए। ठीक है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, मिल जाएगा। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा भाग? x² से को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब और माइनस हाफ को मल्टीप्लाई करना है x² से, तो माइनस हाफ x² आएगा, नहीं आएगा, हम यहाँ पे नोट कर लेंगे माइनस हाफ x², राइट? फिर आगे क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे और कैसे राउंड कर लेंगे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना आ जाएगा? 3+ हाफ, सोचो 3+ हाफ कितना आएगा प्लस करने पे?
थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन अपान में टू, कैसे थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन अपान में टू, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेवन अपान में टू और एक्स स्क्वायर को सेम हम उतार लेंगे, प्लस का थ्री एक्स उतार लेंगे प्लस का वन। अब सोचो कि इस एक्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट आना, सेवन अपान में टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेवन अपान में टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन अपान में टू आ जाएगा, वन आगे वन मानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर टू हो जाएगी, ठीक है, तो यानी हमें कितने पे भाग है, सेवन अपान में टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा सेवन अपान में टू एक्स स्क्वायर, और इस सेवन अपान में टू एक्स का माइनस हाफ में भी करेंगे, तो माइनस हाफ में मल्टीप्लाई करना सेवन अपान में टू एक्स कितना आ जाएगा माइनस सेवन वन जा सेवन टू टू जा फोर और साथ में एक्स आ जाएगा, अभी जाएगा माइनस सेवन अपान में फोर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अब ये हो जाएगा आगे कैंसिल आउट, देन क्या बचेगा यहाँ पर थ्री प्लस सेवन अपान में फोर, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस सेवन, 12 और 7 कितना था 19 अपान में 4 और साथ में x को उतार लेंगे 19 अपान में 4 x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे में करके सॉल्व कर लेंगे और प्लस 1। अच्छा क्या है कि यहाँ पे x यहाँ पर अभी सेम सेम है तो अभी और जाएगी बात, कितने पे प्लस 19 अपान में 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कितना जाएगा x का मल्टीप्लाई करेंगे 19 अपान में 4 को, 19 अपान में 4x आगे नहीं सेम सेम, ये जाएगा 19 अपान में 4x और प्लस क्या है 19 अपान में 4 का मल्टीप्लाई माइनस हाफ में करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 अपान में 4 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस 19 अपान में 8 माइनस 19 अपान में 8, ठीक है। अब साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस राइट, तो हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, अब यह जाएगा 1 प्लस 19 अपान में 8 कितना जाएगा 8 प्लस 19 अपान में 8 ये हो जाएगा 19 और 8 27 अपान में 8 यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 27 अपान में 8 प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है राइट। तो अब यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर हो गया, तो लास्ट में लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू क्या जाएगा हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 27 अपान में 8 ये आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो जैसे। अब 2.3 का कौन सा क्वेश्चन था, ये सेकंड पार्ट, अच्छा थर्ड पार्ट में क्या करना है, अब कि x से डिवाइड करना हमें इस पूरे पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है यानी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पूरे को डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई किसमें करें x स्क्वायर में, देन कितना फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा x क्यूब आना चाहिए, फिर अब माइनस कर लेंगे सीधे सीधे, क्या करेंगे हम माइनस और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस का 3x है स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर को उतार लें और फिर प्लस 3x से मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x स्क्वायर आगे नहीं आएगा और साइन चेंज करके हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ऐसे ही अब यहाँ पे 3x उतार लें, चाहे तो हम यहाँ पर भी उतार सकते थे साथ में और यहाँ पर भी उतार सकते हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x और प्लस कुछ नहीं माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम माइनस, तो 3x माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा, ठीक है, तो अब 1 बच गया यानी इसमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमें 1, क्यों 1 बचा भाई रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पर कांस्टेंट है तो x की जो पावर है कम है, x की पावर ज्यादा है और 1 जो कांस्टेंट है इसमें x की पावर कम है, देन यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा 1, ठीक है। अच्छा अब ये जो बाकी के जो 3 है आप इस मेथड से तो कर सकते हो पर ये पाई वाले में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको रिमाइंडर कैसे डायरेक्ट कैसे मालूम करते हैं बिना डिवाइड किए, ठीक है, और लोगों भी आता होगा थोड़ा, तो मैं करता हूँ इसको,
पहले क्या करते हैं हम x प्लस पाई इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। देन x इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस का पाई साइड जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो x की वैल्यू माइनस पाई है, इस पूरे दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो पी एक्स इक्वल टू पहले सारा नोट कर लो, एस क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन नोट कर लिया हमने। अब क्या है कि जहां जहां एक्स है वहां पर हमें माइनस पाई पुट कर दे, तो यहाँ पे जाकर माइनस पाई का होल क्यू प्लस थ्री इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई और प्लस वन, राइट। देन क्या जाएगा आप माइनस का बताओ, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे या पावर थ्री होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा क्यों, फिर माइनस और फिर माइनस और माइनस, तीन बार करने में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे माइनस का आंसर आता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा माइनस फाइव क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री, और माइनस का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस थ्री पाई, थ्री पाई और प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब हम आगे इसको सॉल्व ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई की पावर क्यूब है, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, पाई है कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा क्या जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, क्या जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। देखो कितना इसी तरीके से आ गया। अब ऐसे ही इसको भी मैं बिना डिवाइड किए इसके भी रिमाइंडर बताता हूँ। अच्छा इसके पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर इसको डिवाइड करना पड़ जाए हमें, अच्छा फाइव प्लस टू एक्स से आप नहीं डिवाइड करेंगे, आप किससे डिवाइड करेंगे, टू एक्स प्लस फाइव से डिवाइड करेंगे, ऐसे करके डिवाइड करना ही होगा, तो ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर फाइव पहले करके करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा बट हमें इसको इस मेथड से ना करके हम डायरेक्ट वाले इस वाले मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, रिमाइंडर क्या आता है, क्या है फोर्थ पार्ट, क्या है फोर्थ पार्ट में, फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइव, इधर चला जाएगा और एक्स इक्वल कितना आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन में टू, एक्स इक्वल कितना मिल गया माइनस फाइव अपॉन में टू। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, इसमें इसको हम पी एक्स मान लें, पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। कैसे पुट करेंगे इसको सोचो, पी जहां पर एक्स है वहां पर हमें माइनस फाइव अपॉन में टू पुट करना है, ठीक है। तो पुट करो माइनस फाइव अपॉन में टू की पावर थ्री और प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव अपॉन में टू की स्क्वायर, ठीक है, और प्लस थ्री इंटू, अच्छा यहाँ पे अगर ब्रैकेट हमने लगा दिया तो यहाँ पे इंटू की साइन दो या ना दो, ठीक है। अब क्या होगा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव अपॉन में टू, ठीक है। अच्छा प्लस का वन भी साथ में उतार लो, अभी भी क्वेश्चन उतारते समय ध्यान रखना होता है कि कोई डिजिट छूटे ना, ठीक है। अब माइनस की पावर थ्री है तो देन आंसर माइनस में आएगा, क्यों, कभी भी पावर है कि ऑड है यानी विषम पावर है तो उस कंडीशन में हमारा माइनस की पावर अगर है तो माइनस आंसर आएगा। अच्छा माइनस की पावर अगर इवन है चाहे टू हो फोर हो सिक्स हो तो यानी सम संख्या है तो प्लस आंसर आएगा, राइट, बट यहाँ पे ऑड है तो माइनस में आ जाएगा। और क्या है कि यहाँ पे फाइव माइनस फाइव अपॉन में टू कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री बार फाइव अपॉन में टू का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सोचो, फाइव माइनस 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 और फाइव फाइव का ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव या वन ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू या फोर टू या एट, ऐसे आता है आंसर माइनस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन में एट, ठीक है। प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस का ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू का स्क्वायर फोर, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना, अब प्लस माइनस माइनस सोचो, थ्री और प्लस का थ्री माइनस का प्लस माइनस क्या होगा बताओ, पता होगा हाँ थ्री फाइव जा फिफ्टीन कितना होगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन और अपॉन में टू, अभी नीचे को ऊपर वन मल्टीप्लाई कर लेना, हमेशा ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस का वन साथ में उतार लेते हैं,
कभी गलती से इसको हम प्लस पहले कर लेना, पहले हमेशा बोर्ड मास से क्या होता है पहले मल्टीप्लाई देन प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम और कर लेते हैं सॉरी इसको 125 अपॉन में 8 प्लस 25 3 जा 75 अपॉन में 4 माइनस 15 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 1 कर लो, क्या क्योंकि पूरे का एलसीएम हम एक ही बार ले लेंगे, पूरे का एलसीएम एक ही बार। अब सोचो क्या आएगा, 8 से 8 को डिवाइड, अच्छा 8 का आया एलसीएम क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 2 होगी, यदि उस नंबर को हम सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा, या आप अलग से 842 का एलसीएम लेंगे, चेक कर लो, ठीक है। अब क्या है कि इस 8 को पहले 8 से हम डिवाइड करेंगे, इस 8 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले डिजिट माइनस 125 में करेंगे तो माइनस 125 आएगा, यानी आ जाएगा आंसर माइनस 125 आएगा, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे 4 से 8 को, कितना आएगा 4 2 8 4 2 8 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 75 में करेंगे तो कितना आएगा 150, कितना आएगा 150, ठीक है। अब क्या होगा माइनस, ऐसे 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 का कितना होता है 60, इसमें आ कितना होता है 60। ऐसे 1 का डिवाइड करेंगे 8 को तो 8, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है इन दोनों में सॉल्व कर लो, प्लस का 155 माइनस का 125, तो प्लस माइनस माइनस और कितना आएगा 150 माइनस 125 25 आ जाएगा। अब ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस माइनस 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 60 में से 8 माइनस करेंगे तो 52 कितना आएगा और अपॉन में 8, अब माइनस कर लेंगे इसमें से तो 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, माइनस वाली संख्या बड़ी है देन कितना आएगा आंसर माइनस में, कितना आएगा आंसर माइनस में, तो ये आंसर जाएगा माइनस 27 अपॉन में 8, ठीक है। ये आंसर इसका रिमाइंडर हो जाएगा क्या माइनस 27 अपॉन में 8। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। अब है क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह वो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अच्छा इसमें भी रिमाइंडर बताना आएगा, क्या है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर, कब रिमाइंडर बताना है व्हेन ये एस क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सिक्स एक्स कितना आएगा 6x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 8, इसे डिवाइड किया जाना है इसको x माइनस 8 से। सोचो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, ये क्या करते हैं कि x माइनस 8 से डिवाइड करना तो उतना एक बार जीरो कर लो, हमें प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना सच्चा है कि पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो, इसी में पुट कर लो, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, दैट्स ऑल राइट। देन क्या होगा x इक्वल टू माइनस एट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या होगा प्लस आ जाएगा राइट। और आगे क्या होगा, अब ये जो x इक्वल टू a है इसको हम दिए गए पॉलीनोमियल में हम पुट करेंगे, क्या करेंगे हम पुट करेंगे कैसे, px इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6ax माइनस a पुट करो कितना a, कैसे पुट करेंगे a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। अब ये क्या होगा a क्यूब और a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 हो जाएगा प्लस 6a माइनस a कितना आ जाएगा 5a, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस क्या आ गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5 आएगा, नहीं आएगा
और माइनस प्लस क्या, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हम देन आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये रिमाइंडर रह जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह से हमें रिमाइंडर इजीली मिल जाता है, कर लो नोट कर लो। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब चेक वेदर थ्री का सेवन प्लस थ्री एक्स करा के ये चेक करो कि सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर, करा कि क्या यह एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, करा इसका यह फैक्टर है, तो कैसे चेक होगा, यदि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर जीरो, इससे हम डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो यह फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, कोई भी नंबर अदरवाइज आता है माइनस में चाहे प्लस में, तो क्या आ जाएगा वह यह इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यह मालूम करने के लिए हमें पहले लो थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, अच्छा x को हम पहले लिख देते हैं क्यों, क्योंकि प्लस से हम तो उस साइड लेके जाना है तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सेवन अपान में थ्री, ठीक है। अब जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसको हम पहले उतार लेंगे, उतारने के बाद फिर x के स्थान पे माइनस सेवन अपान में थ्री को हम पुट करेंगे, ठीक है। पहले देखो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू माइनस सेवन अपान में थ्री का होल क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन अपान में थ्री, ठीक है। चलो सॉल्व, थ्री इंटू माइनस सेवन का क्यूब, तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेवन अपान में थ्री माइनस सेवन अपान में थ्री माइनस सेवन अपान में थ्री, कितना आ जाएगा सेवन सेवन का फोर्टी नाइन, और फोर्टी नाइन को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे कितना होगा, तो थ्री नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, कितना आ जाएगा सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, और सिक्स थर्टी फोर, माइनस आएगा तो कितना आएगा, तो आया मल्टीप्लाई करने तो यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री फोर्टी थ्री अपान में ट्वेंटी सेवन, और प्लस माइनस माइनस सेवन का सेवन मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी भी हाल में क्या जीरो तो नहीं आ सकता, बट चाहो तो एलसीएम लेकर के एक बार सॉल्व कर लो, थ्री और नाइन, नाइन और थ्री का एलसीएम क्या आएगा नाइन, यहाँ पे जाएगा माइनस थ्री फोर्टी थ्री और माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे कितना आएगा थ्री, थ्री का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, और थ्री फोर जा ट्वेल्व, और टू फोर्टीन, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस सात सेवन और प्लस थ्री, सात तीन दस, चार चार आठ और एक नौ, कितना होगा सेवन थ्री टेन फोर फोर एट और वन नाइन थ्री वन फोर अपान में नाइन, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे जब नॉट इक्वल टू जीरो लास्ट में लिखेंगे क्या, देयर फोर क्या लिखेंगे हम, देयर फोर सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट फैक्टर, इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, इसका क्या नहीं है एक फैक्टर नहीं है, यदि जीरो हो जाता तो इसका फैक्टर ये हो जाता, ठीक है। तब सॉल्व, तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।